बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को अल हबीब जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसके ज़रिए आप लोग फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे करेंगे थ्रू रास्त के ज़रिए। दोस्तों, अगर आप लोगों के पास बैंक अल हबीब का अकाउंट है और उसमें से आप लोग अपने किसी भी मेम्बर को या किसी भी फैमिली मेम्बर को या किसी दोस्त को या किसी को भी आप लोग रकम भेजना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो आप लोग कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो भेजेंगे रास्त के ज़रिए। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि आप लोग रास्त के ज़रिए कैसे आप लोग बैंक अल हबीब अकाउंट से किसी भी अकाउंट में पैसे भेज सकते हो बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्जेस लागू नहीं होंगे। दोस्तों, जब भी आप लोग ट्रांसफ़र किया करें तो आप लोग रास्त का जो है ऑप्शन चूज़ किया करें, क्योंकि उसमें कोई भी चार्जेस लागू नहीं होते, कोई भी टैक्स जो है वो वहाँ पर आप लोगों को देनी नहीं पड़ती। तो यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो मैंने अल हबीब मोबाइल एप्लीकेशन ओपन की हुई है। आप लोग यहां पे अपना यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद अपने अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे। तो यहां पे मैंने अपना जो यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर कर दिया, अब अकाउंट में लॉगिन हो जाता हूं। जैसे ही अकाउंट में लॉगिन हो जाऊंगा तो यहां पे आप देख सकते हो ये ऐसा इंटरफेस आ जाएगा आप लोगों के सामने, आप लोगों को मालूम ही होगा। और आप लोग यहाँ से अपना जो बैलेंस है वो भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे ट्रांसफ़र मनी लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये ट्रांसफ़र मनी का ये ऑप्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने इस पर आप लोगों ने क्लिक कर लेना है। आप लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आप लोग एक और पेज में आ जाओगे। यहाँ पे आप लोगों को सारी बेनिफिशरीज जो हैं वो मिल जाएगी, अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ऐड की हुई है तो। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जो बेनिफिशरीज हैं वो ऐड की हुई है, लेकिन ये मेरी रास्त वाली बेनिफिशरीज नहीं है, क्योंकि हम रास्त के ज़रिए पैसे भेज रहे हैं रास्त के थ्रू। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप देख सकते हो ऊपर ट्रांसफ़र टू न्यू पे लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ट्रांसफ़र टू न्यू पे, ये ग्रीन में ऊपर जो है वो दिया गया है, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर लेना है। मैं इस पर ट्रांसफ़र टू न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोड ऑफ ट्रांसफ़र आ चुका है, रास्त आईडी, ठीक है। अगर आप लोग बैंक ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आप लोगों ने थर्ड जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है, बैंक ट्रांसफ़र वाला। बैंक ट्रांसफ़र में क्या होगा कि आप लोगों को वहाँ पर IBN नंबर इंटर करना पड़ेगा, जितना भी मुकम्मल उसका अकाउंट नंबर होता है वो आप लोग वहाँ पर इंटर करेंगे, बैंक को सेलेक्ट करेंगे, जो भी डिटेल होगी आप लोगों को वहाँ पे देनी होगी। लेकिन रास्त आईडी में क्या होगा, आप लोगों को जिस बंदे को पैसे भेज रहे हैं तो आप लोगों ने उससे रास्त आईडी जो है वो लेनी होगी। वो आप लोगों को बताएगा कि ये मेरी रास्त आईडी है, ये मेरे अकाउंट से लिंक है, तो आप लोग मुझे इस रास्त आईडी के ज़रिए पैसे भेज सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग वो रास्त आईडी इंटर करोगे, जो भी आप लोगों की रास्त आईडी होगी। मैं यहाँ पे रास्त आईडी को इंटर कर लेता हूँ जो मेरी रास्त आईडी है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने रास्त आईडी जो है वो इंटर की, ये मोबाइल नंबर है, और यहाँ पे अमाउंट जो है वो मैं इंटर कर लेता हूँ। जितना भी अमाउंट आप लोग इंटर करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पर्पोज़ में आप लोग ऑर्डर्स पे ही रहने देंगे, कोई मसला नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र पे क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने ट्रांसफ़र पे क्लिक किया है तो यहाँ पे रिव्यू आ चुका है और बेनिफिशरी नेम ऑटोमेटिक जो है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो ये हमारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई है कि जो रास्त आईडी है ये इस बंदे की है, ये इस बंदे के अकाउंट्स के लिंक है, और उस नाम का, उस बंदे का नाम भी यहाँ पे आ जाएगा। ये हमारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई। उसके बाद ये बिल्कुल फ्री है, ट्रांजैक्शन चार्जेस कोई भी नहीं है। आप लोग जितना भी यहाँ से पैसे भेजना चाहें वो बिल्कुल फ्री है। मैं कन्फर्म पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे ही मैंने कन्फर्म पे क्लिक किया तो वन टाइम पासवर्ड जो है वो हमारे रजिस्टर मोबाइल नंबर या ईमेल पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आप लोगों ने इंटर कर लेना है। तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड जो है वो इंटर आ चुका है और ऑटोमेटिक यहाँ पे इंटर हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे मैं सबमिट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंफर्मेशन रुके, सबमिट सक्सेसफुली, हमारी हमारे जो ट्रांसफ़र है वो हमारे यहाँ से जा चुके हैं और हमारा ट्रांसफ़र हो चुका है। बहुत आसान तरीके से समझाया है मैंने आप लोगों को, कुछ भी समझ ना आए, कोई भी मिस्टेक हुई हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और कमेंट कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों को ज़रूर प्रे दूँगा। इस तरीके से आप लोग रास्त के जरिए अपने अकाउंट से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।